हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर चैनल पर। और आज हम इंग्लिश का एक बेहतरीन यूज़ करने वाले हैं, एज सून एज, नो सूनर देन का यूज़। इसकी हिंदी कैसे होती है? ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे। एग्जाम्पल में देखूँ तो मैंने एक सांप देखा, मैं तुरंत भाग गया। इसमें दो कार्य होते हैं, दो क्लॉज होते हैं, वाक्य में दो टुकड़े होते हैं। मैंने सांप देखा, आई सॉ अ स्नेक, मैं तुरंत भाग गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? एट वंस आई रैन अवे। अब एज सून एज या नो सूनर देन का यूज़ करना हो तो इसको एक साथ कैसे बोलेंगे? जैसे ही मैंने सांप देखा वैसे ही मैं भाग गया। मीन्स ज्यों ही मैंने सांप देखा त्यों ही मैं भाग गया। तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? एज सून एज से भी बनाई जा सकती है इसकी इंग्लिश, और नो सूनर देन का यूज़ करके भी बनाई जा सकती है इसकी इंग्लिश। तो पहले देख लेते हैं एज सून एज। एज सून एज आई सॉ अ स्नेक कॉमा आई रैन अवे। एज सून एज आई सॉ अ स्नेक आई रैन अवे। अब इसी सेंटेंस को नो सूनर का यूज़ करके बनाएं तो कैसे बनेगा? नो सूनर, उसके बाद डिड आई सी अ स्नेक, कॉमा की जगह देन आई रैन अवे। तो पहले हम एज सून एज वाले वाक्य देख लेंगे, फिर उन्हीं वाक्यों को हम नो सूनर से भी बना के देखेंगे। तो पहले एज सून एज से स्टार्ट होने वाले वाक्य देख लेते हैं, फिर बाद में उन्हीं वाक्यों को नो सूनर के साथ कैसे उसको बनाते हैं, क्या इंट्रोगेटिव लगाते हैं, कैसे करते हैं, वो बाद में देखते हैं। तो पहले एज सून एज वाले वाक्य समझते हैं। सेंटेंस है, ज्यों ही वह जागती है वह अपना मोबाइल देखती है। होता है ना ऐसा कि भाई हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल ढूंढने लगते हैं। तो जैसे ही वह जागती है वैसे ही वह अपना मोबाइल देखती है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है, जैसे ही और वैसे ही, ज्यों ही और त्यों ही। इंग्लिश बनेगी एज सून एज। ये तो यूज़ हो गया एज सून एज। अब इसमें दो क्लॉजेज हैं, मतलब दो टुकड़े हैं। वह जागती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सी वेक्स अप, कॉमा लगा दो। वह अपना मोबाइल देखती है, शी चेक्स हर मोबाइल, है ना। नेक्स्ट है, ज्यों ही वह आता है त्यों ही चिल्लाने लगता है। अर्थात जैसे ही वह आता है वह चिल्लाने लगता है। एज सून एज ही कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो एज सून एज ही कम्स ही स्टार्ट्स शाउटिंग। ही स्टार्ट्स, चिल्लाने लगता है। जब कोई काम शुरू हो जाए तो वहाँ स्टार्ट या बिगिन टू का यूज़ करेंगे। स्टार्ट या बिगिन टू का यूज़ जल्द ही आने वाला है आपके इस चैनल पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही छात्र कक्षा से बाहर दौड़ पड़े। कैसे बनाएंगे? चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है, यूज़ कर दो पहले एज सून एज, फिर पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार वर्ब सेकेंड लगा दो। द बेल रैंग, एज सून एज द बेल रैंग कॉमा द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास। अगला है, जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा वैसे ही मैं सो गया। एज सून एज आई वेंट टू बेड कॉमा आई फेल असलीप। अब आप सोच रहे होंगे कि एज सून एज का यूज़ हम पहले ही कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते। तो मैं बता दूं, एज सून एज का यूज़ उसी क्लॉज, उसी टुकड़े में होगा जो काम पहले हुआ हो। अब जैसे मैंने लिखा है, ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही छात्र कक्षा से बाहर दौड़ पड़े, तो फिर काम कौन सा पहले हुआ? घंटी बजने का, तो एज सून एज पहले लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया था, जैसे ही मैं बिस्तर पर गया मैं सो गया, तो आप पहले बिस्तर पर गए ना, तो एज सून एज पहले लगाएंगे, एज सून एज बीच में नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। एज सून एज के साथ कॉमा जरूर लगाएंगे, याद रखिएगा। अगले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ही हमें खबर मिली वैसे ही हम अस्पताल दौड़े चले आए। एज सून एज वी हियर्ड द न्यूज़ कॉमा वी रश्ड टू द हॉस्पिटल। जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे देखा उसने कार रोक ली। एज सून एज माई फ्रेंड सॉ मी कॉमा लगाइए ही स्टॉप्ड द कार। अब स्पीकिंग में कॉमा थोड़ी बोलेंगे, तो स्पीकिंग में कैसे बोलेंगे? अगर अंग्रेजी बोल रहे हो आप तो कैसे बोलेंगे? एज सून एज माई फ्रेंड सॉ मी ही स्टॉप्ड द कार। अर्थात दोनों सेंटेंस के बीच में जो कॉमा है वो कॉमा अंग्रेजी में बोलते थोड़ी हैं, थोड़ा सा पॉज ले लेंगे और बोल देंगे सेंटेंस पूरा। एज सून एज माई फ्रेंड सॉ मी ही स्टॉप्ड द कार। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे ही मैं कानपुर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो क्लॉजेज भी होते हैं, दो टुकड़े भी होते हैं। तो जैसे ही मैं कानपुर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तो
तो पहले वाले क्लॉज में फ्यूचर में होते हुए भी विल या शैल का यूज नहीं करेंगे। या यूं समझ लीजिए, एज सून एज के बाद सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। एज सून एज आई रीच कानपुर कॉमा आई विल कॉल यू। अच्छा क्यों नहीं होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ जैसे ही मैं कानपुर पहुंचता हूं मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, एज सून एज आई रीच कानपुर आई विल कॉल यू। आई के साथ शैल भी लगा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ज्यों ही वह बाहर निकलेगा पुलिस उसे पीटेगी। तो एज सून एज ही स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस पुलिस विल बीट हिम। एज सून एज ही विल स्टेप आउट, ये गलत है, ये ऐसा नहीं बोलेंगे आप ना लिखेंगे। एज सून एज ही स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस द पुलिस विल बीट हिम, यही है सही सेंटेंस। अब इन्हीं वाक्यों को हम लोग नो सूनर में देखेंगे, नो सूनर और देन के साथ। हिंदी वही होगी, ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही, बस इसका तरीका, फॉर्मेशन बनाने का तरीका, इंग्लिश बनाने के तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा। अब वाक्य नो सूनर से स्टार्ट होंगे और कॉमा के स्थान पर देन लगेगा। THEN नहीं THAN, ये बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है, THEN दे देते हैं वो और कॉमन एरर हो जाता है। तो THAN होता है देन, जो कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए इनके देख लेते हैं फॉर्मूलाज। तो यदि प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर किसी में भी हो, आपको याद रखना है नो सूनर, जैसे एज सून एज का यूज़ करते हैं, एज सून एज एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस के रूप में आएगा। लेकिन बनेगा कैसे, नो सूनर के बाद आप जो भी सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य में दो क्लॉज होंगे, वाक्य में दो टुकड़े होंगे, तो पहले क्लॉज को इंटेरोगेटिव में बना दो। अर्थात यदि प्रेजेंट में है तो कैसे, नो सूनर, उसके बाद डू या डज आएगा कुछ, फिर सब्जेक्ट आएगा और डू डज के साथ तो वर्ब फर्स्ट आती है, वर्ब फर्स्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, अदर वर्ड लगा दो, फिर देन लगा दो, फिर उसके बाद जो अगला टुकड़ा है वाक्य का, अगला क्लॉज है वो लगा दो सेंटेंस के रूप में, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। बस याद इतना रखना है, प्रेजेंट में डू डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट लगता है नो सूनर के बाद, पास्ट में नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट लगता है। और यदि पास्ट परफेक्ट टाइप का हो तो नो सूनर के बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब थर्ड। कहने का अर्थ है नो सूनर का भी यूज़ एज सून एज के स्थान पर किया जा सकता है। एज सून एज में कॉमा लगता है, कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता, सीधा बनता है। नो सूनर का क्या करते हैं, नो सूनर प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस देन और प्लस सेंटेंस जो भी अगला भाग है वो बना देते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तुरंत समझ में आएगा आपको। इसकी हिंदी थोड़ी सी, नो सूनर की जब हिंदी बनाएंगे तो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, देखते हैं कैसे हैं। ज्यों ही वह जागती है वह अपना मोबाइल देखती है। यदि आप नो सूनर से बनाएंगे तो उसकी हिंदी ऐसे कही जा सकती है कि वह जाग ही नहीं पाती है कि मोबाइल देखती है, मतलब वो एक काम हो भी नहीं पाता है कि वो दूसरा काम करने लगती है। अर्थात कहते नहीं है कि तुम जाग तो पाए नहीं ढंग से, वो मोबाइल देखने लगे। चूंकि ये प्रेजेंट में है तो वह जाग ही नहीं पाती है कि मोबाइल देखने लगती है या देखती है। तो नो सूनर डज, नो सूनर के बाद देखिए ऊपर लिखा है एज सून एज सी वेक्स अप, तो आप एज सून एज की जगह आपने लगाया नो सूनर, शी वेक्स अप, इसका इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डज शी वेक अप, कॉमा की जगह लगा दो, देन लास्ट का जो क्लॉज है शी चेक्स हर मोबाइल, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो बन जाएगा नो सूनर डज शी वेक अप देन शी चेक्स हर मोबाइल। दूसरा है ज्यों ही वह आता है चिल्लाने लगता है, मतलब वह आ ही नहीं पाता कि चिल्लाना शुरू कर देता है ना। तो नो सूनर डज ही कम, नो सूनर लगा दो एज सून एज की जगह, फिर ही कम्स का इंटरोगेटिव कर दो, डज ही कम, नो सूनर डज ही कम, कॉमा की जगह लगा दो, देन देन ही स्टार्ट्स शाउटिंग। अगला है ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही छात्र कक्षा से बाहर दौड़ पड़े। अर्थात घंटी बजी ही नहीं कि बच्चे दौड़ पड़े। इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, नो सूनर डिड द बेल रिंग, एज सून एज की जगह लगा दो आप नो सूनर, द बेल रिंग का इंटरोगेटिव करेंगे तो हो जाएगा डिड द बेल रिंग, कॉमा की जगह लगा दो, देन और फिर जो कहते हैं लोग दो, द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास। तो कैसे बनेगा, समझ में आ गया होगा, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट है, जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा वैसे ही मैं सो गया। तो नो सूनर का कैसे यूज करेंगे, नो सूनर डिड आई गो टू बेड,
आई वेंट टू बेड का इंटरोगेटिव हो जाएगा डिड आई गो टू बेड। नो सूनर डिड आई गो टू बेड देन आई फेल एस्लीप। देखिए वाक्य के अगले टुकड़े में कोई भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। शुरुआत में एज सून एज वाले को ही नो सूनर कर रहे हैं और इंटरोगेटिव कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही हमें खबर मिली वैसे ही हम अस्पताल दौड़े चले आए। नो सूनर डिड वी हियर द न्यूज देन वी रश्ड टू द हॉस्पिटल। अगला एग्जांपल है, जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे देखा उसने कार रोक ली। मेरे दोस्त ने मुझे देखा कि तुरंत कार रोक ली। तो नो सूनर डिड माई फ्रेंड सी मी देन ही स्टॉप्ड द कार। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। एज सून एज या नो सूनर किसी से भी बना लीजिए, सेंस वही है कि भाई मेरे दोस्त ने मेरे को देखा और देख ही नहीं पाया कि तुरंत ही गाड़ी रोक ली, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही मैं कानपुर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। नो सूनर से बनाइए। नो सूनर डू आई रीच कानपुर। एज सून एज की जगह नो सूनर लगा दिया, आई रीच कानपुर का इंटरोगेटिव कर दिया तो डू आई रीच कानपुर हो गया, तो बन जाएगा नो सूनर डू आई रीच कानपुर, कॉमा की जगह लगा दो देन आई विल कॉल यू। नेक्स्ट क्लॉज चेंज नहीं होता, नेक्स्ट जो वाक का टुकड़ा है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, जो ही वह बाहर निकलेगा पुलिस उसे पीटेगी। मतलब वो बाहर निकला कि पिटा, तो नो सूनर डज ही स्टेप आउट द हाउस पुलिस विल बीट हिम। अब आपको कि वो सर विल क्यों नहीं लगाया शुरू में, तो मैंने एज सून एज के टाइम आपको बताया था ये कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। तो ये पहला जो क्लॉज होगा एज सून एज के बाद वाला या नो सूनर के बाद वाला ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। और अगला जो टुकड़ा है जैसे आई विल कॉल यू या द पुलिस विल बीट यू या बीट हिम, तो ये होगा फ्यूचर में। तो पहला वाला जो क्लॉज है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बनेगा यदि ऐसे कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, एज सून एज से आते हैं, नो सूनर से आते हैं, इफ से भी आते हैं, व्हेन से भी आते हैं, तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ये कभी। चलिए फिलहाल अभी आप गौर कीजिए एज सून एज और नो सूनर पर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही नौकर ने अपना काम समाप्त किया वह घर चला गया। एज सून एज से कैसे बनाएंगे, एज सून एज द सर्वेंट Had finished his work, he went his house. As soon as the servant had finished his work, he went his house. अब इसी को no sooner से बनाना हो, no sooner had the servant finished his work, then he went his house. चूंकि had लगा हुआ है तो verb third लगा दी गई है ना। यदि did लगाते तो verb first, do does लगाते तो verb first। Interrogative करने का तरीका तो आपको मालूम होगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसी के अनुसार आएगी जो हेल्पिंग वर्ब होगी। इज दैट क्लियर ना। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं और इसको एज सून एज और तथा नो सूनर दोनों तरीके से इसको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं घर से बाहर निकला वैसे ही बारिश शुरू हो गई। मीन्स मैं घर से बाहर निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। नो सूनर का एक एग्जैक्ट सेंस यही है कि मैं घर से बाहर निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। तो एज सून एज से बना के देख लेते हैं। पहले एज सून एज आई स्टेप्ड आउट या केम आउट। स्टेप्ड आउट मींस बाहर कदम रखना, केम आउट मींस बाहर आना, अर्थ वही है, सेंस वही है। तो एज सून एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, कॉमा लगा दो एज सून एज में लगता है ना, इट स्टार्टेड रेनिंग। अब नो सूनर से देख लेते हैं। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट या कम आउट। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट या कम आउट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि डिड लगा हुआ है, इंटरोगेटिव बना रहे हैं। नो सूनर के बाद अगला जो है वो इंटरोगेटिव बन रहा है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऊपर स्टेप्ड आउट या केम आउट सेकेंड फॉर्म है, है ना। तो नो सूनर डिड आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस, कॉमा की जगह देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट क्लॉज चेंज नहीं होगी, बारिश शुरू हो गई ये चेंज नहीं होगा। केवल शुरुआत में जब हम नो सूनर का यूज करेंगे तो नो सूनर के बाद इंटरोगेटिव बनेगा जैसा मैंने आपको बताया। तो बनेगा नो सूनर डिड आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एज सून एज से बनाएंगे तो सीधा बनेगा सिंपल। अगर आप नो सूनर से बनाएंगे तो नो सूनर के बाद इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, यस नो टाइप इंटरोगेटिव का यूज करेंगे और कॉमा की जगह देन लगा देंगे।
एज सून एज में कॉमा लगता है और नो सूनर में देन लगता है टी एच ए एन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एज सून एज या नो सूनर का यूज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वास्तव में वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू एवरीवन।